Chipinda last hearing, all the I, both IO and along with SP. We'll just have a look at the last order sheet. In fact, all these authorities have been called because they were stating that the diary is incomplete. हाँ. This was the reason. Yes, yes, yes. हाँ, diary complete है, IO साहब कहाँ है? आइए आप, IO साहब आप आइए, आप तो बैठिए SP साहब, बैठिए. आप तो सिर्फ ये देखिए कि आपके IO लोग कितने efficiently काम करते हैं. आपको तो सिर्फ इसलिए बुलाया है. और कोई आपको तकलीफ देने का मंशा नहीं है. हाँ, diary complete है? Yes. क्यों नहीं भेजी थी पिछली बार complete diary? What is that? आपने पहली बार investigation किया था कि दूसरी बार में आपका investigation है? दूसरी बार. दूसरी बार में. चलिए, तो पहली बार वालों से बात कर लें, वो कहाँ पीछे चुपके क्यों खड़े हैं SP साहब के? आइए, आगे आइए ना. पहली बार आप आइयो थे क्या? शुभ नाम है? जगन्नाथ. गर्दन झुकाने से शर्म दिखाई नहीं देती है वकील. ठीक है, जगन्नाथ नाम है आपका? आप अपने नाम को बिल्कुल भी सार्थक नहीं करना चाहते. कितने कैमरे थे वहां पर मौका मुआयने पर? कितने कैमरे थे जी? कितने का फुटेज सीज किया था आपने? दो का निकाली सर जी. दो का? कितना? और जोर से बोलिए. इतनी दो, दो कैमरे का दो. ऐसा क्यों किया था आपने? क्योंकि आपके पास हम एसपी साहब से पूछेंगे. आपको ये जो जो आपके सितारे लगे हुए हैं ना, कितने दो दो सितारे लगे हुए हैं आपके, आपके खिलाफ ये लिखाना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना नहीं आता. आपको आगे से किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन करने से रोका जाए और आपको लाइन हाजिर करके डेस्क ड्यूटी आवक जावक क्लर्क बना दिया जाए थाने में या वो लाइन में. जब नौ कैमरे थे तो आपने दो क्यों सीज किए थे? पहला सवाल. अभी तो पहला सवाल है. बताइए, उत्तर दीजिए. शर्म नजरों से होती है, गर्दन झुकाने से नहीं होती है. सुन रहे हैं एसपी साहब आप? ये आपके अधिकारियों की एफिशिएंसी लेवल है ये, और ये उनकी अपराध में संलिप्तता का इंडिकेशन है. इनको इतने बेसिक चीज नहीं मालूम है. किस पोस्ट पर हैं आप? ये दो सितारे क्या इंडिकेट करते हैं? मिस्टर जगन्नाथ, आई एम आस्किंग यू, नोबडी एल्स विल रिप्लाई ऑन योर बिहाफ. ये दो सितारे क्या हैं? किस पद पर हैं आप? हैं? उप निरीक्षक. कितने साल की नौकरी हो गई आपकी जी? 36 साल. 36 साल में आपको ये नहीं मालूम कि इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है? दूसरा सवाल. हमें वकील साहब ने पिछली बार ये बहस करी कि जो गद्दे वगैरह उस कमरे के बिखरे हुए थे वो आप लोग सुसाइड नोट ढूंढ रहे थे इसलिए बिखर गए जी? जी सर. जी, तो उसके पहले आपने सीन ऑफ क्राइम को डिस्टर्ब किए बगैर फोटोग्राफ्स लिए थे? जी, बाद में. आप हाउ कैन यू डिस्टर्ब सीन ऑफ क्राइम विदाउट टेकिंग फोटोग्राफ और मेकिंग वीडियोग्राफी? लिखते जाइए, एक एक सवाल लिखते जाइए इनका. लिखिए, दिस कोर्ट आस्क्ड श्री जगन्नाथ, क्या नाम है पूरा? जगन्नाथ. जगन्नाथ ग्यारह. नहीं समझ में आ रहा, जोर से बोलिए. जोर से बोले. माइक पर एक. जगन्नाथ ग्यारह. जगन्नाथ ग्यारसिया सर. ग्यारस? ग्यारसिया. अर्लियर आईओ ऑफ द केस. क्वेश्चन नंबर वन. श्री ग्यारसिया इज आस्क्ड दैट व्हेन एज टू हाउ मेनी कैमरास वर अवेलेबल एट द सीन ऑफ क्राइम. क्वेश्चन मार्क. आंसर लिखिए. श्री ग्यारसिया सबमिट्स देयर वर 9 कैमरास ऑन द सीन ऑफ क्राइम, एट द सीन ऑफ क्राइम. नेक्स्ट क्वेश्चन. श्री ग्यारसिया इज आस्क्ड एज टू हाउ मेनी सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस वर सीज्ड बाय हिम.
Next question mark answer. Shri Gyarasiya submits that footage from only two cameras was seized. नहीं गलती हो उत्तर लिखाने में तो बता दीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत लंबी दूरी तक जाएगा. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लिखिएगा. श्री ग्यारसिया इज आस्क्ड दैट श्री अनिल खरे लर्नेड सीनियर एडवोकेट ऑन द लास्ट डेट आर्ग्यूड दैट सीन ऑफ क्राइम वाज डिस्टर्ब्ड एंड द हीप ऑफ मैट्रेसेस एक्सेट्रा were found in disturbed position because IO had searched for the suicide note below those mattresses and the mattresses and pillows which were lying on the bed where allegedly incident took place. Full stop. Shri Gyarasiya is asked as to whether he had videographed the scene of crime before searching for the suicide note. Question mark. Answer. Shri Gyarasiya submits. हाँ बताइए. सवाल मैं हिंदी में समझाता हूँ. मैंने आपसे सवाल ये पूछा है. ऊपर ये भी लिख दीजिएगा. Shri Gyarasiya is asked questions in Hindi and in presence of the learned counsel for the parties and the learned SP Narsingpur. Questions and answers are being translated in English and recorded in the order sheet. सवाल ये है कि आपने scene of crime को disturb करने के पहले photography या videography कराई थी? जी बाहर नहीं देखिए. श्री ग्यारसिया admits that he had not carried out any videography or photography before disturbing the scene of crime. Full stop. He answers that he submits that he had carried out photography after disturbing the scene of crime. ठीक है एसपी साहब, क्या समझ में आया आपको इससे? पहले करानी चाहिए थी. तो क्यों नहीं कराई? आपका क्या सुपरविजन है? आपका थानों के ऊपर क्या सुपरविजन है और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर क्या पकड़ है आपकी? वो मैं सरकारी वकील साहब को बोल रहा था, शायद आप बैठे थे. 13 या 14 तारीख के इंडियन एक्सप्रेस में पढ़िएगा, पूना की पुलिस कमिश्नर ने आर्टिकल लिखा है दैट हाउ पुलिस फंक्शन. सेंट्रल पेज पर है बिल्कुल. yes. चार कॉलम का आर्टिकल. मैं उसको बोलना नहीं चाहता हूं यहां पर, आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा. एंड योर ओन पुलिस ऑफिसर हु वाज ऑन डेप्यूटेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन वेरियस सेंसिटिव पोस्ट हैज मेंशनड दैट हाउ पुलिस फंक्शंस. क्या पकड़ है आपकी इनके ऊपर? बैठिए जगन्नाथ जी. हाँ आपकी केस डायरी है पूरी? जी. क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया आपने डॉक्टर का, बताइएगा जिसने पोस्टमार्टम किया है. पीछे मत देखिए. तो क्यों नहीं लेकर आए आप? आपको लेकर खड़े होना चाहिए था. नेक्स्ट लिखिएगा. प्रेजेंट आईओ श्री, क्या शुभ नाम है आपका? कौशल सिंह. कौशल सिंह जी. इज आस्क्ड, दीजिए वो स्टेटमेंट दीजिए डॉक्टर का और थूक मत लगाइएगा कागज के ऊपर, वहां लगा हुआ है.
there with my application also. हाँ ठीक है पेज नंबर 259 से 259 क्वेरी हैज बीन रजिस्टर्ड जी 259 259 सर एंड द आंसर इज कंटेंड एट पेज 260 पेज नंबर 260 259 पे सवाल पूछा गया है जी किससे पूछा गया है सवाल ये फ्रॉम बोथ द डॉक्टर्स जिस डॉक्टर ने काटा जिसके इनिशियल है दोनों दोनों से पूछा गया दोनों को लेटर लिखा है हाँ फिर उनके जवाब है क्या जवाब है पढ़िए दैट इज 260 हाँ पढ़िए सर पहले तो क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ हाँ पढ़िए मृतिका के पैर में जो चोट आई है वह कैसे किस चीज की है क्या इस चोट से छायाचित्र में दर्शित बेडशीट गीली हो सकती है मृतिका को हायोड बोन में अस्थि भंग होना पाया गया है क्या मृतिका ने स्वयं को फांसी लगाए जाने के उक्त हड्डी के अस्थि भंग हो सकता है या अन्य पहला और तीसरा सवाल का जवाब मुझे बता दीजिए सर ये नेक्स्ट पेज पे आप देख लें सारे जवाब तीसरे सर पहले का जवाब चाहिए आपको मृतिका को राइट टोपर डीप एब्रेशन थैरी खरोच पाई गई थी जो कि किसी हार्ट एंड ब्लड ऑब्जेक्ट से आना संभव प्रतीत होता है डीप एब्रेशन से 6-7 मिनट तक ब्लीडिंग होना संभव है तथा आप बेडशीट गीली होना संभव है होना संभव है तो पढ़ दीजिए आप आपकी राइटिंग ज्यादा क्लियर होगी आपको पढ़ दीजिए आप पढ़ रहे हैं बेडशीट का अवलोकन पीएम के समय टीम द्वारा नहीं किया गया Okay. ये इम्पोर्टेंट है ये ठीक है ये हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट मैं आईओ साहब आपसे पूछ रहा हूँ ये हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट वकील साहब ने बहस की थी कि कुर्सी है प्लास्टिक की जो लेकर वो भागी थी कमरे के अंदर आपने प्रस्तुत की थी डॉक्टर को कि इस कुर्सी से ये चोट आना संभव है क्योंकि तो वकील साहब की बहस है मेरी ओर से कुछ भी नहीं है जोड़ है ना घटाव है उसमें उन्होंने कहा कि ये कुर्सी उसने जब पैर मारा होगा लटकने के बाद उसका पैर खटक गया मेरी बहन सर पूरी उस पर थी मेडिकल लीगल लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर आई हैव नो बिजनेस एंड आई हैव नो अथॉरिटी टू से आई कैन डील विद योर आर्ग्यूमेंट्स आई हैव टू कमेंट ऑन योर आर्ग्यूमेंट्स आई एम ओनली पॉइंटिंग आउट टू हिम दैट दिस वाज द आर्ग्यूमेंट एंड वेदर दैट चेयर वाज प्रोड्यूस्ड वेदर इंजरी टू द टो कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड could have been sustained because of that chair. आपसे पूछ रहा हूँ आईओ साहब नहीं नहीं मैं पेश किए थे क्यों नहीं पेश की थी लिखिएगा आईओ श्री कौशल सिंह यही नाम है ना आपका जी सर is asked that when he had given a query report when he had sought a query from Dr. Pranav Sen and Dr. Rashi Rai of government hospital Narsingpur on 26/3/2022 then whether he had produced the chair plastic chair allegedly contact with which caused injury to the right as has been answered by the concerned doctors as is available on in reply to the query report Shri Kaushal Singh ye question mark answer Kaushal Singh submits that he had not produced said chair to ascertain whether injury in the toe in the form of deep abrasion which was seen by the doctors at the time of postmortem was Kalika sorry whether by in to the concerned doctor अच्छा आपके वो कहाँ जगन्नाथ जी कहाँ हैं उनको भी बुलाते जाइए चलते रहेंगे ये कर लेना ये बेडशीट क्यों नहीं प्रोड्यूस की थी आपने जगन्नाथ जी को आगे बुला लीजिए एसपी साहब आपको नहीं बचा पाएंगे जगन्नाथ जी अभी आप कोर्ट के सामने हैं ये बेडशीट क्यों नहीं प्रोड्यूस की थी
बताइए जगन्नाथ जी आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग कोर्ट के सामने जितने भोले भाले बन जाते हैं, जनता के साथ भी इतने ही भोले भाले रहे तो कितना अच्छा होगा। आपसे उत्तर मांग रहे हैं, यू वॉन्ट मी टू बी हार्श? When I'm asking you a question very politely, you should answer it. Shri Jagannath has no answer as to why, as an initial investigating officer, he had not produced the concerned bed sheet for perusal or for examination of the doctors, in as much as doctors of the postmortem have mentioned that at the time of PM, said bed sheet was not produced before them. अब आप ये बताइए, ये इन्होंने कह दिया पीएम रिपोर्ट में काटे मिटाए गए राइटिंग एरर है जो कि टीम मेंबर महिला रोग विशेषज्ञ द्वारा सत्यापित किया गया है। ये राइटिंग एरर क्या होता है, आपने कुछ समझने की कोशिश की क्या, इनका बयान लिए क्या राशि राय मैडम के? गलती से लिख दिए थे सब, बोला था वो तो सुन लिया मैंने, वो तो इसमें अंग्रेजी तो हम भी समझते हैं जी, इसीलिए यहाँ बैठे हैं, नहीं तो आपकी जगह होते। आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए, डिड यू टुक एनी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कंसर्न डॉक्टर कि ये राइटिंग एरर क्या होता है? कितने साल की नौकरी हो गई आपकी? 38 साल। आप क्या ऐसा करते हैं जांच के दौरान लिख दिया है कि ये जो है मर्डर का मैटर है, मर्डर को क्या बोलेंगे, हत्या का मैटर है, उसको फिर काट के लिख देंगे नहीं हत्या नहीं जो है ये एक्सीडेंट का मैटर है, ऐसा किया आपने 38 साल में कभी? नहीं। तो ये सवाल आपके दिल में उठना चाहिए था डॉक्टर से पूछने के लिए कि जो चीज आपने लिखी है वो सामान्य चीज नहीं है। गलती क्या होती है, अंकों में देखिए 6 को 9 लिख दिया जाता है, 9 को 6 लिख दिया जाता है, उसको गलती बोलते हैं, एरर बोलते हैं। लिखिएगा, श्री कौशल सिंह इज आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्लाई टू आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द क्वेश्चनर डेटेड 26/3/2022 व्हिच रीड्स एज अंडर। ये क्वेश्चन नंबर 3 इज कोट करिएगा 259 पेज से, उसके बाद लिखिएगा वेयर इन आंसर इज गिवन बाय द कंसर्न डॉक्टर्स to the effect in the following terms within inverted commas PM report mein kaate oblique mitaye gaye writing error hain jo ki team member within bracket mahila rog visheshagya bracket close dwara satyapit kiya gaya hai inverted commas close next usme shri kaushal singh is asked whether he had taken any explanation of Dr. Rashi Rai in writing that how that cutting of word within inverted commas gravit will be a writing error and how it connects with the other words which are preceding or succeeding the word gravit in the postmortem report। अग्रवाल जी बताइए कौन से पेज पे postmortem report? उनसे पूछ के नहीं बताइए, you are there to assist him, he is not there to assist you। My notes are there, मालूम है। आप अपने notes देख के पेज बताइए। At page number 66 मालूम है। Page number 66। हाईलाइट से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, पेज 63 पे लिखिएगा पूरा ढंग से, यूरोजेनाइटल सिस्टम डैश कंजेस्टेड
full stop. Uterus, gravid, ब्रैकेट में लिखिएगा erased, ब्रैकेट क्लोज, uterus with normal size. पूछा आपने, कोई चीज इरेज की जाती है तो उसका कुछ तो सीक्वेंस होता है. पूछा आपने श्री कौशल सिंह एडमिट्स दैट ही हैड नॉट, क्या लिखूं आपने इसमें, अपना माइंड अप्लाई नहीं किया था, क्यों नहीं पूछा आपने, ही हैड नॉट आस्क्ड, अभी तो सिर्फ इतना लिखिए, ही हैड नॉट आस्क्ड any, he had not sought any further clarification from the postmortem doctors. Next question. आपने कोई सवाल दिमाग में आया था, नहीं आया था? वर्ड कैसे काट देते हैं आप? मैंने जैसे आपको एग्जांपल देके बताया, आप विवेचना के दौरान एक केस में लिखे कि ये हत्या का मैटर है, फिर उसको काट दें आप हत्या को वेरियस रीजंस, और फिर उसको आगे लिख दें कि नहीं ये हत्या नहीं, ये तो जो है सुसाइड का केस है, तो फिर ये सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा कि ये हत्या को सुसाइड कैसे कर दिया? आपके दिल में उठा कि नहीं उठा? क्योरी करवा दे सर, पूछे थे सर, है क्योरी करवा दे डॉक्टर से, पूछे थे सर, क्या क्योरी करवाए थे डॉक्टर से, संबंध में पूछे थे सर. नहीं समझ में आया, यहाँ से क्योरी किए थे डॉक्टर से, पूछे थे. हाँ तो क्या कहा उस डॉक्टर ने, कहा है वो क्वेरी कहाँ है और सवाल जवाब कहाँ है? ये सर ये नहीं, नहीं क्वेरी मौखिक होती है क्या? नहीं लिखित में. हाँ कहाँ है वो क्वेरी? ये जो अपना अक्षर जो आपने ये सवाल पूछा कि ये किस प्रकार से बदल दिया आपने पूरी इबारत, पीएम रिपोर्ट ना सर है ना पैर है. जी सर, ये पीएम रिपोर्ट में ग्रेविट शब्द को क्यों काटा आप? तो उसका उसके बाद उन्होंने उत्तर दे दिया. जी सर. उसके बाद आपके दिल में ये सवाल उठा कि ये उत्तर सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं है? हाँ कि नहीं? आपसे पूछ रहा हूँ मिस्टर कौशल से. हमने लिख दिया था सर, वो हम फाइनल समझे सर. क्या उन्होंने जो लिख दिया तो वही समझे सर हम? अच्छा उन्होंने लिख दिया तो आपकी विवेचना पूरी हो गई? सर वो एक्सपर्ट भी हो गई. देखिए मेरी बात का जवाब बहुत समझ के दीजिएगा, क्योंकि यह मुकदमे का तो जो होगा सो होगा, उसकी आप चिंता बिल्कुल मत करिए, उसके लिए वकील साहब हैं. आपका करियर खराब करने के लिए पर्याप्त होगा. श्री कौशल सिंह एडमिट्स दैट ही हैड नॉट मेड एनी फर्दर क्वेरीज इन रिगार्ड टू द एक्सप्लेनेशन दैट यूज ऑफ वर्ड ग्रेविड वॉज ए राइटिंग एरर फ्रॉम द कंसर्न डॉक्टर फुल स्टॉप. श्री कौशल सिंह इज गिवन एन एग्जाम्पल बाय दिस कोर्ट दैट if during investigation he writes that it's a case of homicidal death within bracket murder, then can he as an investigating officer of a case change it to a case of suicide, saying that earlier writing was a typographical error? Shri Kaushal Singh is not in a position to give reply to this query. Lunch ke baad milte hain. Continue this case. Revision kar lete ji. Can this be at 3:15 or 3:30 sir? Ek matter chal raha hai, wo shayad chale. To aap adjust kar lijiye, kyunki ye matter mere khayal se 10 minute mein bhi khatam ho sakta hai agar inhone mujhe satisfy kar diya, aur 2 ghante bhi lag sakte hain. Sir 10 minute mein tabhi khatam hoga jab meri bail ho jayegi. बड़ा सिंपल आंसर दे रहा हूँ सर. ये सजा के पात्र हैं या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल्टोगेदर. मैं तो अभी आपकी बेल की तो बात ही नहीं कर रहा, इसलिए अभी मैं तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे आई हैव टू स्टार्ट अफ्रेश. इनफैक्ट नहीं, व्हाट इज मोर
तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा एक निवेदन है सर, क्योंकि तो ये कल रुकेंगे, मैं ठीक है, मैं 3:30 लीजिए, कल रुकेंगे ये लोग, इनका क्या होता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर सर। हां नहीं, दैट नहीं, आई एम टेलिंग यू ऑल थ्री विल हैव टू स्टे बैक टुमारो, आई विल टेक दिस केस टुमारो। इन फैक्ट आई कांट से एनीथिंग इज एट दिस जंक्चर फॉर देम और अगेंस्ट देम, इट इज फॉर द स्टेट काउंसिल टू आस्क। हां स्टेट बता दे, एंड इन फैक्ट दे आर रिक्वायर्ड टू आंसर इट। हां आई एम आस्किंग देम ओनली, इट्स द काउंसिल। आपसे तो कुछ पूछा ही नहीं अभी भी। मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं। हां मैं कोर्ट कोशिश करने के लिए जरूर। हां हां बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप मुझसे बोलेंगे कि ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ, आई विल डेफिनेटली कम फॉरवर्ड। डेफिनेटली आई विल हियर यू, आई विल हियर यू, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आई विल हियर यू। मैं सिर्फ इतना बताया कि 3:30 पे केस लेंगे और खत्म नहीं हुआ, देन दे विल हैव टू कम टू कोर्ट। हां राइट, दे विल बी स्टेइंग, दैट इज योर दिस थिंग। आई एम रेडी। इनको यहीं बैठा के रखिएगा तीनों।